जैन को भी जगह दो, जगह भैया थोड़ा साल मैंने छोड़ी, बस मेरी बहन की वजह से मुझे पकड़ा गया नाजिम से, इसके संबंध में सतीश को पकड़ो, सतीश नाजिम सतीश की बहन आएगी और वो केस बताएगी। सर मुझे नहीं पकड़ा, मैंने पकड़ के सर रजनी को पकड़वाई, रजनी ने जब केस बताया, हाँ सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं मरना मर जाऊंगा, मेरे दो आगे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँ। तुम्हारी बहन शादीशुदा है? ये शादीशुदा सर, अपने पति के साथ? मैंने बहुत टाटी पीटी भी, मैंने एक दफा मारी भी थी सर, इसे दौड़े पड़ जाऊँ कुछ, इसे दौड़े पड़ जाए जमीन पे गिर जाए, फिर मैंने सर कुछ हो रहा था तो मैं पकड़ा जाऊँ, मैं मारा जाऊँ। पति के साथ नहीं रहती है? पति के साथ रहती है, आ जाती है वहाँ से, ये सब सर जब मैं क्लियर बता रहा हूँ, मर रहा मरता हूँ। बुलेट पट्टी भी घूमे थे? नहीं सर, मैंने तो नहाते वाले सर, मैं कसम खा रहा हूँ, ये बता दी याजिम ने इसने किया जो भी। ये है तीन और एक जेल है। देखिए जैसा कि आप अवगत हैं, 12 जून को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था थाना नरसेना पर, बसी बागर के रहने वाले हरपाल गौरव ने मुकदमा लिखाया था कि मैं 6 तारीख को किसी काम से दिल्ली गया था, मेरे घर में ताला तोड़ के मेरी बुलेट मोटरसाइकिल, एक एलईडी और कुछ केबिल, ये सारी चीजें निकाल ली गई, चोरी की गई। इस अभियोग पंजीकृत होने के बाद हमारे थाना अध्यक्ष नरसेना लगातार इसमें लगे हुए थे, अवधेश कुमार, इनकी टीम पूरी लगी हुई थी। कल यह सूचना प्राप्त हुई कि उसी बुलेट मोटरसाइकिल से 3 लोग बैठ के और गंगा नदी पुल की तरफ से भगवानपुर के रास्ते हसनपुर जाने के फिराक में है। इस सूचना पर इन्होंने गंगा नदी पुल के पास अपनी चेकिंग लगाई, उस चेकिंग के दौरान ये 3 लोग आते हुए दिखाई दिए जो कि बुलेट मोटरसाइकिल पे थे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने अपना फायरिंग किया, जिसकी घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार किया गया, जबरन शिकायत करके इनसे पूछताछ की गई तो यह पता चला कि इसमें नाजिम नाम का जो व्यक्ति है वो मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल इसलिए चुराया क्योंकि ये रजनी जो महिला खड़ी है ये इसको बुलेट मोटरसाइकिल पर घूमना बहुत पसंद था, इस कारण से इस चोरी को अंजाम दिया गया। और विगत दिनों ये 12 तारीख से लेके और कल तक इसी बुलेट मोटरसाइकिल पे इसको घुमाता रहा और इस तरह के अन्य भी वारदातें की जो कि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा में इन सबके खिलाफ अभियोग पंजीकृत है और भी मुकदमे इनके खिलाफ है और जानकारी।